सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज, मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। ये है स्प्लेंडर प्लस F5 बाइक है और इसका आज मैं आपको इंजेक्टर क्लीन करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसका स्विच ऑन किया और स्टार्ट करता हूँ। बाइक स्टार्ट हो चुकी है, आपको शायद साउंड आ रही होगी। तो थोड़ा मैं एक्सीलेटर देता हूँ, देखिए बंद हो गई ऑटोमेटिकली। और इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, ये स्टार्ट हुई, अब ये बंद हो गई है। तो भाई जब ये यही प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये स्टार्ट हो जाती है फिर बंद हो जाती है और फिर स्टार्ट नहीं होती। तो इसका मैं इंजेक्टर क्लीन करके आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे आप इसका इंजेक्टर क्लीन करते हैं। सबसे पहले इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो भाई सबसे पहले ये मैं खोल रहा हूँ इसका, और अब इसका जो ये इंजेक्टर है उसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है मैंने, और अब इसका इंजेक्टर को खोलना है तो हमें टूल बॉक्स यहाँ से उतारना पड़ेगा। मैंने खोल दिया है, अब इसका जो इंजेक्टर है उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। इसमें 2 10 mm के बोल्ट लगे होते हैं, इनको आप खोल के इसको डिस्कनेक्ट कर दें। तो गाइस इसका जो फ्यूल इंजेक्टर है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इसको क्लीन करने से पहले आपको 2 काम करने हैं सिंपली। या तो ये जो पाइप लगा है, ठीक है, इस पाइप के अंदर जो है इस पाइप को आप किसी जो बोतल होती है उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि फ्यूल पंप चलेगा तो यहाँ से पेट्रोल निकलेगा। या फिर आप फ्यूल पंप का जो वायर है, इसके फ्यूल टैंक के नीचे जो सॉकेट लगा है यहाँ पर, उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें जो है एक डिब्बे के अंदर इस पाइप को डालने वाला हूँ। गाइस मैं इस पाइप को जो है देखिए, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब इसका जो फ्यूल इंजेक्टर है, देखिए सबसे पहले तो हमें इसका जो रिंग है यहाँ से रिंग को निकाल देना है ताकि खराब ना हो जाए। तो गाइस उसके बाद अब हमें इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए तो भाई अब जो फ्यूल इंजेक्टर है उसका जो ये कैप लगा है उसके यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये रिंग यहाँ पे लगा होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास जो है या तो ये होना चाहिए लिक्विड थ्रॉटल बॉडी क्लीनर, या फिर WD-40 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एमरजेंसी में। वैसे ज़्यादातर कामयाब ये रहता है इसके अंदर थ्रॉटल बॉडी क्लीनर, ठीक है। तो हम यहाँ पर थ्रोटल बॉडी क्लीनर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है थोड़ा सा लिक्विड डालना है, ये वाला इस तरह से इसके अंदर डाल दें। और जब ये भर जाए तो उसके बाद आपको जो है इसको आपने एयर गन लेनी है, ठीक है। 200 PSI तक आप इसका प्रेशर कर सकते हैं, 200 PSI लग कोई नुकसान नहीं होगा इंजेक्टर को। और अब आपको बाइक का स्विच ऑन करना है, और स्विच ऑन करने के बाद जो है जो सेल्फ है उसका बटन दबाना है, ठीक है। यदि इस बाइक में सेल्फ नहीं है तो किक भी चला सकते हैं। तो और यहाँ पर ध्यान रखें जो एक्सीलेटर है उसको बिल्कुल ना दे, वरना इंजेक्टर जो है वो काम नहीं करेगा, ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एयर गन को लगाते हैं, चलो भाई सेल्फ लगा। तो सेल्फ लगाते हैं, देखिए इस तरह से बस बंद कर दे, ठीक है, स्विच काट। तो यहाँ पर हमने इसको एक बार क्लीन कर लिया, ठीक है। अब इसको आपको जो है एक बार और इसके अंदर जो है लिक्विड डालना है, और ये लिक्विड जो है कम से कम आप इसके अंदर भर के 1 मिनट तक जो है इसको ऐसे ही छोड़ दें। जब ये भर जाए तो इसको ऐसे ही छोड़ दें 1 मिनट के लिए। चलिए भर चुका है, और भरने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जा रहा है लिक्विड, वो उसके अंदर बबल्स निकल रहे हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। बबल्स के कारण जो है वो अब पूरी तरह से इसके अंदर जा चुका है लिक्विड। ये लिक्विड को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसके अंदर जो रस्ट वगैरह है, कोई कचरा वगैरह है, वो पूरी तरह से गल जाए, जो अंदर कार्बन वगैरह जंग वगैरह लग चुका है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको फिर दिखाता हूँ वीडियो 1 मिनट बाद। 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट के बाद हम प्रोसेस वही करेंगे। बटन से चलाओ भाई,
स्विच ऑन करते हैं और बाइक का जो सेल्फ है उसको दबाते हैं बिना एक्सीलेटर दिए। चलो भाई एक बार स्विच काट, दोबारा स्विच ऑन कर, सेल्फ लगा। तो गाइज हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है वो इस तरीके से आप जो है इसको क्लीन कर सकते हैं पहली प्रोसेस से, ठीक है। ये है नॉर्मल यूज के लिए, यदि इसमें थोड़ा कभी कचरा वगैरह चले जाए, पानी वगैरह चले जाए तो पैसे को क्लीन करेंगे। ये प्रोसेस था वहां तक। अब प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यदि इसके जो होल है वो ब्लॉक वगैरह हो जाए तो उसको कैसे ओपन खोलेंगे आप, या फिर अंदर डस्ट जो है इसके पूरी तरह चली जाए तो उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको फिटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो गाइस इसका जो फ्यूल इंजेक्टर है हमने फिट कर दिया है, इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं, फिर दूसरी प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इसको मैंने लॉक कर दिया, अब स्टार्ट करके देखते हैं। दोबारा स्टार्ट नहीं हुई, फिर से स्विच ऑन करते हैं। अब स्विच ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बाइक तो स्टार्ट हो चुकी है, रेस देते हैं, ले दिया नहीं। तो गाइस सबसे पहले हम जो इंजेक्टर है मैं आपको उसके अंदर दिखाता हूँ क्या होता है। तो यदि हम इसको जूम करके आपको दिखाएं तो आपको यहाँ पर एक फिल्टर मिलेगा, यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है इंजेक्टर के अंदर, जो कुछ कार्बन वगैरह यदि फ्यूल टैंक से यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ पर रुक जाते हैं, और यदि इस फिल्टर से भी वो कचरा जो है आगे पहुँच जाता है तो इंजेक्टर के जो होल हैं वो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आपको इस तरह के इंजेक्टर है उस पर आपको एक जो है इस तरह के दो थिम्बल लेने हैं, ये जो हमारा सीडीआई यूनिट होता है उसके अंदर ये थिम्बल वायरिंग में लगे होते हैं, वो थिम्बल आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं कोई पॉजिटिव नहीं, आप जिस मर्जी साइड में इसको लगा सकते हैं क्लीन करने से पहले। और इंजेक्टर के ऊपर आप इस तरह एक पाइप जरूर लगा लें, जो मैंने इंजेक्टर के ऊपर जो पाइप लगाया है वो पेट्रोल पाइप है। तो गाइज उसके बाद जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी एक 12 वोल्टेज की बैटरी की, चाहे छोटी बैटरी लें चाहे बड़ी बैटरी लें, और उस पर जो है आपको इंजेक्टर की एक वायर को जो है जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर फिक्स कर देना है, और जो दूसरा हिस्सा है उस पर इस तरह से स्पार्किंग करा के देखना है। स्पार्किंग हो रहा है तो इसका मतलब ये है जो इंजेक्टर के अंदर जो कॉइल लगी है वो कॉइल सही से काम कर रही है, और इंजेक्टर जो है वो टिक टिक की साउंड उसको करना चाहिए। तो उसके बाद जो है आपको थ्रोटल बॉडी क्लीनर लेना है, चाहे तो WD-40 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेरे पास दोनों हैं। तो यहाँ पर हम थ्रोटल बॉडी क्लीनर का इस्तेमाल करने वाले हैं इसको क्लीन करने के लिए, और यहाँ पर जो है इसको आपको प्रेस करना है। और उससे पहले जो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, आपको इसको यहाँ से ब्रेक करना है, थोड़ा लगाना है छोड़ना है, लगाना है छोड़ना है। इसका फ़ायदा ये होगा जो अंदर से प्रेशर आएगा वो रुक रुक के आएगा और जो इंजेक्टर है वो जल्दी क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने पाइप पे एक वायर नहीं जोड़ा है तो उसको मैं यहाँ से आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप उसको जोड़ लीजिए, दूसरी साइड से मैंने पहले ही जोड़ रखा है, लेकिन ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि भाई आपने एक साइड में जोड़ा नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लैंप वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ यहाँ से जो है जो लिक्विड है उसका प्रेशर जो है वो इंजेक्टर के थ्रू बाहर निकालना है, और उसके बाद इंजेक्टर हमारा क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बटन दबाना है और वायर को लगाना है और छोड़ना है। अब यहाँ पर जो इसका प्रेशर बनेगा वो तिरछा भी नहीं बनना चाहिए। अब यदि आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे जो इंजेक्टर के अंदर से लिक्विड निकलेगा, चाहे तो आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं किसी ट्रे वगैरह में, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए इसको ओपन कर रहा हूँ, हवा में दिखा रहा हूँ ऊपर, ये वेस्ट जा रहा है मेरा, लेकिन यदि हम इसको चाहे तो इकट्ठा कर सकते हैं किसी बॉक्स में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसकी शेप देखिए, जो लिक्विड निकलेगा वो किस शेप में निकलेगा, तो यही पहचान होती है एक इंजेक्टर ख़राब है ब्लॉक है या नहीं। तो इसके अंदर से जो लिक्विड निकलेगा वो देखिए किस शेप में निकलता है, हम इसको टच करते हैं तो देख सकते हैं ये ब्लॉक हुआ हिस्सा अलग से दिखाई देगा आपको, देख सकते हैं ये कभी एल शेप में बनता है कभी तिरछा वी बनता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं चल रहा। ये सेंटर में चल जाएगा तो इंजेक्टर हमारा ओपन हो जाएगा, अब ये सेंटर में नहीं है। इसको इस तरह से हमें ब्रेक दे देंगे, स्प्रे करना है, और
इसको चाहे तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ताकि आपका लिक्विड जो ये निकल रहा है वो वेस्ट ना जाए। मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको ये दिखाया है, लिक्विड को इसलिए हवा में उड़ा रहा हूँ। देखिए अभी पूरा सेट नहीं हुआ, सेंटर में नहीं गया जो स्प्रे है, जो प्रेशर अंदर से आ रहा है वो सेंटर में जाएगा तो ये ओके हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, देखिए क्लीन होगा, आपके सामने ही होगा। दोबारा देख अब ना बिल्कुल सेंटर में जा लिया, खोल के